पुगल पंचायत समिति से 70 किलोमीटर दूर रेतीले दौरों के बीच में यह ग्राम पंचायत नाडा आज भी कई सुविधाओं की बाट जो रही है। इस ग्राम पंचायत में आज भी कई ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो जिससे कई यहां के मतदाता पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बुट्टा के कुओं से यह विभाजित हुई ग्राम पंचायत पिछले कई वर्षों से यहां पे शिक्षा, चिकित्सा व पानी शुद्ध पेयजल के नाम पर बाट जो रही है। विकास कार्यों की बाट लगाकर आश्वासन देने वाले सरपंच प्रतिनिधि पिछले कई सालों से यहां पर विकास कार्य करवाने के नाम पर बोर्ड जरूर बंटो रहे हैं, लेकिन अभी हकीकत ये बता रही है कि यहां पर आज भी कई सुविधाएं से यहां के मतदाता वंचित हैं। हम यहां पे नाडा ग्राम पंचायत के अंदर खड़े हैं। यहां जो ग्राम पंचायत है, किस तरीके की आप सुविधाएं से उम्मीद करें जो भावी सरपंच बनेगा? हम ये करेंगे कि हमारे पानी की पेयजल, पीने का पानी है ये खरा है, इससे जोड़ है, पेड़ है, ये दुख रहे हैं, हम मीठा पानी जोड़ाना चाहते हैं। दूसरी क्या है कि यहाँ कोई रास्ता का कोई सुविधा नहीं है। हम खेता में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो कोई यहाँ से रास्ता कोई व्हीकल लेके निकल नहीं सकते, तो वो रास्ते से बचित है। दूसरी ये है कि हमारे ये गांव के कोई विकास का पानी और नाला वगैरह कुछ नहीं बनाया अभी तक। दूसरी ये कि हमारे भुटार को पंचायत बनी है, यही यहाँ से दूर दराज रहेगी। पहले हमें अमरपुरा पंचायत भी है तो वही दूर दराज रहेगी। तो पीछे के समय में ऐसा कोई बढ़िया विकास नहीं हुआ हमारे गाँव के लिए, नहीं कोई पढ़ाई की सुख सुविधा है। 8वीं की स्कूल है तो इसके आगे 12वीं, ये 12वीं बन जाए तो हमारी बच्ची है, बच्चे है, ये गांव से बाहर नहीं जाए, तो ये सुख सुविधा हम चाहते हैं। 28 सितंबर को मतदान है, उसी दिन आप गांव की सरकार चुनेंगे, क्या सोचकर सरकार बनाएंगे आप? हम ये मुद्दे सोचकर सरकार बनाएंगे, ये सरपंच बनाएंगे कि ये विकास हमारा, ये सरपंच विकास करा सकता है। ये जो पढ़ाई है या हमारा सड़क है, रोड है, ये विकास हो। नाडा नई ग्राम पंचायत बनी है, आवासीय पट्टे एक बहुत बड़ी समस्या है, आप क्या उम्मीद करते हैं होने वाले सरपंच से? हमारी ग्राम सरपंच सकलाल से उम्मीद करते हैं कि आबादी बसे हुए काफ़ी साल हो गए, कई सरपंच आए, कई गए, यहाँ कोई सुविधा नहीं थी, तो हम उम्मीद रखते हैं कि जैसे हम 28 तारीख को एक नवनिर्वाचित पंचायत में युवा सरपंच बनाएंगे, और उनसे उम्मीद है हमें कि आबादी जितने भी घर बसे हुए हैं सभी के पट्टे देने की चर्चा करेंगे। शिक्षा के नाम पर स्कूल कर्मोन्नत नहीं हो रहे हैं, यहाँ की बच्चियों को दूर दराज क्षेत्रों के अंदर पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है जो काफ़ी दूर है, खर्चीला भी साबित हो रहा है, तो भावी सरपंच से क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? हम भावी सरपंच साहब से ये उम्मीद लगाएंगे कि यहाँ से हमारे जो बहनें हैं या बच्चियाँ हैं, अमरपुरा 12वीं तक स्कूल है, तो यहाँ से कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, तो सरपंच साहब से उम्मीद करेंगे कि नाडा में 12वीं तक स्कूल की जाए ताकि हमारे बहन बेटियों को बाहर नहीं जाना पड़े। नई ग्राम पंचायत है, कई सुविधाओं से आज भी वंचित है, बड़ी चुनौती रहेगी। मैं अपने सतीश कोम को, लेकिन सतीश कोम ने मुझे मान सम्मान दिया है जिसके लिए मैं खरा उतरूंगा, और सबसे पहले कोविड-19 का ध्यान रखते हुए चुनाव प्रक्रिया के बारे में स्कूल की जो ये 8वीं तक है उसको 12वीं तक करने की कोशिश करेंगे, और खेल मैदान बनाने की कोशिश करेंगे, और चक ढाणियों में पानी की जो व्यवस्था है वो खारा पानी बता रहा है उसको जो भी है मीठा पानी की कोशिश करेंगे, और गाँव में जीवन द्वार है, आवासीय पट्टे वगैरह है, गलियाँ है, जो भी बिल्कुल युवा सरपंच है, इनकी यही प्राथमिकता रहेगी कि आने वाले समय में 28 तारीख को जैसे ही मतदान होगा इस क्षेत्र का विकास हो। इनके ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर आवासीय पट्टे एक बहुत बड़ी समस्या है, रेतीले दौरों के बीच में बसा यह ग्राम पंचायत काफी सुविधाओं के इंतजार में है। सरपंच से यही उम्मीद लगा रहे हैं कि आने वाले समय में चिकित्सा व शिक्षा की व्यवस्था में सुधार किया जाए। इस गाँव को अगर देखा जाए, हमने जिस तरीके से इस गाँव की ग्राउंड रिपोर्ट ली है, यहाँ पर आज भी सड़क नहीं है, कच्चे रास्ते से यहाँ पर ग्राम पंचायत में पहुँच रहे हैं। पुगल पंचायत समिति बनी है पहली बार, उसी प्रकार यह ग्राम पंचायत भी पहली बार बनी है। 60 किलोमीटर दूर यह ग्राम पंचायत आज भी कई सुविधाओं से वंचित है। ये ग्रामीण इस सरपंच से उम्मीद लगा रहे हैं कि ऐसा सरपंच चुने, ऐसी गाँव की सरकार बनाए ताकि 28 सितंबर को होने वाले वोट एक जनता के लिए काम आए और आने वाले समय में इस क्षेत्र का विकास हो। टुडे 24 सुरेंद्र डेलू, खाजूवाला।